नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। फरुखाबाद में दो नाबालिग लड़कियों की खुदकुशी मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को किया अरेस्ट। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। झारखंड में विधायक रामदास सोरेन ने ली शपथ, चंपाई सोरेन की जगह बने हेमंत कैबिनेट में मंत्री। नई ऊंचाइयों पर शेयर बाजार, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा, निफ्टी ने 25,250 को छुआ। केरल में भारी बारिश के आसार, कई इलाकों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। सीपीआई के खिलाफ एनआईए की कार्यवाही, चार राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में पहली गिरफ्तारी, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल गिरफ्तार। कांग्रेस विधायक जीतेश अंतापुरकर ने विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा इस्तीफा, आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कर्नाटक में 24,500 के पार पहुंचेंगे डेंगू के मामले, अब तक 12 लोगों की मौत। अगले 7 दिनों तक गुजरात में होगी बारिश, कच्छ मोरबी द्वारका में ऑरेंज अलर्ट। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।